तो सबसे पहले आपको यूनिट चेक करना होगा, उसके बाद यहाँ पर आप यूनिट रख देंगे इंजीनियरिंग, यूनिट रख दिया। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको लिमिट भी सेट करनी होगी, अब प्लान के अंदर लिमिट काम आएगी। एल आई एम कमांड टाइप करा, स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर में तो आप 0.0 एंटर। अब आपको यहाँ पर अपर राइट कॉर्नर की वैल्यू देनी है 120 फीट, 90 फीट एंटर, पॉइंट 120 फीट, 90 फीट, जेड एंटर, ए एंटर जूम ऑल के लिए। अब इसके अंदर इमेज लाने के लिए, पीडीएफ लाने के लिए आई एम कमांड टाइप कर, बोलते इमेज, राइट क्लिक, अटैच जो पीडीएफ, ये मेरे पास प्लान है। इसको इसके अंदर बनाना है, इसको देख देख के बना सकते हैं। ये प्लान है 40 फीट 6 इंच इंटू 32 फीट का है, और इसकी जो वॉल की थिकनेस है वो 12 इंच है। अब आप लेयर में वर्क कर सकते हो, ये बनाने के बाद लेयर में कन्वर्ट कर सकते हो, पहले बना लेते उसके बाद कन्वर्ट ही करेंगे, क्योंकि पहले लेयर बनाते हैं तो कम गर्मी गर्मी हो जाती है, कौन सा लेयर कौन सा वर्क कर देते हैं। सबसे पहले आर ई सी कमांड रेक्टेंगल, फर्स्ट पॉइंट डी एंटर डायमेंशन के लिए, पहले दे दो आप 40 फीट 6 इंच एंटर, 32 फीट और एंड, इस तरीके से यह उसका मेन एरिया है, यहाँ क्लिक कर दो। इसके बाद क्या करना है कि आपको वॉल की थिकनेस चाहिए, वॉल की थिकनेस के लिए आप ऑफसेट ले लो, कम से कम 12 mm का लेना है अंदर की साइड पर। अब आपको सबसे पहले आप किधर से स्टार्ट करना चाहते हो, आप यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, मैं यहाँ से बनाता हूँ, सबसे पहले बनाता हूँ वॉश एरिया, आर ई सी फर्स्ट पॉइंट। अब आप डी प्रेस करो डायमेंशन के लिए, ठीक है, पहले आएगा आपका 7 फीट 6 इंच एंटर, 5 फीट एंटर करो। अब इधर माउस से किधर भी क्लिक कर सकते हो, यहाँ यही क्लिक करना है तो, ठीक है, वापस एंटर, वापस पॉइंट से हम यहाँ दे देंगे, वापस आपको डी प्रेस करना है डायमेंशन के लिए, पहले आएगा 5 फीट, फिर आएगा वापस 5 फीट, पांच फीट हो गया। अब इसको सिलेक्ट करो, ऑर्थो मोड ऑन कर दो F8 से, लेकिन इसको ले लेंगे, मूव करेंगे ना कम से कम 12 इंच ही करना, 12 इंच की बोलते कैसी, अब आपको बनाना है किचन, 12 इंच दीवार की थिकनेस है, डी एंटर 7 फीट 6 इंच एंटर 13 फीट ले लो, सेलेक्ट करो, एम एंटर करो, नीचे की साइड लेना 12 इंच। अब आपको बेडरूम क्रिएट करना है, तो बेडरूम के लिए आपको 11-13 का बेडरूम है, फर्स्ट पॉइंट डी एंटर, 11 फीट एंटर, 13 फीट सेलेक्ट, एम एंटर 12 इंच, और इसी को कॉपी करके ले जाओ, सारा के बाद सिंपल लगे। अगर फिट लगाना है तो सिंपल लगाओ, 12 इंच लिखा दो, इसकी कॉपी कर दी, दोनों ये इक्वल है। वापस आर ई सी पर पॉइंट डी एंटर, पहले वाली वैल्यू 11 फीट रहेगी, दूसरी वाली वैल्यू 10 फीट, सेलेक्ट एम एंटर करो, यहां से यहां ले लो 12 इंच का, ये
वापस आ रही सी, अब की बार यहां से ना कितना है, 16 26 फीट 6 इंच। ये लॉबी है, लिविंग डाइनिंग रूम है, ठीक है ना, लिविंग एंड डाइनिंग रूम है। इसके बाद अब आपको ये जो भी ऑब्जेक्ट आपके बन गए, एक आपको बनाना है टॉयलेट, तो आर ई सी एंटर, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दे दिया, डी एंटर करके डायमेंशन के लिए 6 फीट का है पहले वाला, फिर 5 फीट, और एंटर फर्स्ट पॉइंट, डी एंटर पहले वाला 6 फीट का है ना, दूसरे वाला 5 फीट का, ऐसे होता है। सेलेक्ट एम एंटर, इधर ले लेंगे हम 12 इंच, और साइड 12 12 इंच की बोलती कि छूट जाएगी। अब इस पूरे प्लान को सिलेक्ट कर लो आप और एक्सपोर्ट करो, एक्सपोर्ट कर दिया। अब आपको क्या करना है कि इसके ऊपर एक कमांड यूज करनी है, ओ बी, जिसको हम बोलते हैं ओवर डिलीवर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर और ओके, जितनी भी ओवरलैप लाइनें होगी वो आपकी रिमूव हो जाए। अब ये सब सिंगल सिंगल लाइन है, जिसके ऊपर लाइन चढ़ी हुई थी वो डिलीट हो गई। अब ऑफसेट 12 इंच का ही लेना है, एक इधर ले लो एक इधर ले लो, इन दोनों को क्लियर करना है, एफ एंटर रेडियस 0 रहेगी, ठीक है। और इसको भी क्लियर करना है यहां से यहां, और इसको भी क्लियर करना है यहां से यहां, इसी लाइन का ऑफसेट करना आपको 6 इंच का, इस तरह से ये आपके सारे रूल वगैरह क्रिएट होगा। अब आपको ट्रिम कमांड यूज करनी है, इस लाइन को तो एक्सटेंड करना है, इसको भी एक्सटेंड करना है। हाँ जी, सवाल बना दे, ये सारे रूल वगैरह का क्रिएशन हो जाएगी इस तरीके से। अब इसके बाद आपको डोर बना दो, एक बार आप जो भी डोर है जहां पर भी एक डोर बना दो, जैसे कि मान लो मेरा यहाँ पर डोर है सेंटर के बीच 5 फीट का डोर है, तो आप एक लाइन खींचो यहाँ से मिड पॉइंट से, ऑफसेट लगाओ 30 इंच का इधर 30 इंच का इधर, डिलीट फिर आपको इसी लाइन का ऑफसेट करना है 12 इंच का, फिर ऑफसेट करना है 3 फीट का, डोर नहीं है ये विंडो है, विंडो को सिंबल लेके आओ, विंडो यहाँ पर लेके गए हैं, डोर का सिर्फ एक ही है। इसी ऑब्जेक्ट को आपको मिरर करना है, एम आई से एम टी पी कमांड लगाओ, आपको इसके अंदर यहां पर विंडो है, ऑफसेट है आपको 36 इंच का इधर, 36 का इधर, अब ये कि ये चीज भी उधर होगी, यहाँ पर मिरर लगानी है, एमटीपी लगाना है, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन खींचो, ऑफसेट लगा दो इसका, आप जितना लगा दो ऑफसेट आप यहाँ पर
इन दोनों को सेलेक्ट करो और मेरे कर दो। MTP एंटर। सेम यहां पर भी डोर है। एम आई एम टी यहां पर भी डोर है, दो फिट नॉइज का। यहां पर एक विंडो है आपकी पूरी ओवरऑल, यहां से यहां तक। ये वाली विंडो उधर भी 6 फिट की है। MI MTP एक विंडो यहां पर है 5 फिट की मिड पॉइंट से। सेम यहां पर भी एक आईलैंड पर थोड़ा ऑफसेट डिलीट। यहां पर एक वेंटिलेटर है। ऑफसेट करना आपको 15 इंच का। एक यहां पर भी आपको ऑफसेट लेना है, सेम ऑफसेट कमांड वही डिलीट। ट्रिम एक यहां पर डोर है आपका, एक ट्रिम एक यहां पर डोर है, 2 फिट नॉइज। एक आपकी यहां पर विंडो है वो है 5 फिट की, फिर एक लाइन ड्रॉ करो यहां से यहां तक, इसका ऑफसेट कर दो आप। हाँ तो इस तरीके से है, ठीक है। एक विंडो यहां पर है तो एक ही भी 5 फिट की ही है, तो इसी को मेरे लगभग MI अब इस पूरे को जे से ज्वाइन करो। ये वाली लाइन है आप क्या करो कि एक्सप्लोर कर करता जो लाइन आनी चाहिए प्लान में, तो यही काम आएगा। कुत्ता रखा है जैसे जोड़ कर दिया, एक लाइन आप यहाँ बना दो छोटी सी, एक लाइन यहाँ बना दो छोटा, उसको क्लियर करना है। इन दोनों को तो आप CHP कमांड लगाओ, चेंज ऑफ प्रॉपर्टी कलर पे जाओ, क्वालिटी पे जाओ। इसको हम कर देंगे रिटर्न, रिटर्न कर दिए। अब इसमें LTS कमांड लगाएंगे, लाइन टाइप कुछ है, ठीक है। अब आपको डोर का सिंबल लगाना है, तो डोर के सिंबल मिलेंगे Ctrl 3 से, Ctrl 3 टूल पैलेट दो, ठीक है। ये क्या गया डोर का सिंबल, कंट्रोल थोड़ी ग्रीन पहले टीपी कमांड भी होती है, ठीक है।
अब इसको आपको लगाने अलाइन कमांड लगाऊंगी एल। फर्स्ट सॉर्ट पॉइंट, फर्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट, सेकेंड सॉर्ट, सेकेंड डेस्टिनेशन, और ये इसको मिरर कर दो। अब यही का ये इंदुर मिलन कर दो एम आई से एम टी पी। अब ये खुला रहेगा, ये ढूंढना रहेगा जो कौन डोर लग जाएगा यहाँ पे एरिया कवर कर दो। यहाँ पे विंडो आएगी, यहाँ विंडो आएगी, यहाँ डोर आएगा, कॉपी कर लेता स्ट्रीट और रोटेट कर देता उसको थोड़ा सा ये पर ए अलाइन सेलेक्ट एंटर फर्स्ट सोर्स फर्स्ट डेस्टिनेशन सेकंड सोर्स सेकंड डेस्टिनेशन और ये अलाइन यस मिरर अब यहाँ पर सेंटर डोर है ना, तो यहाँ पर मिड पॉइंट लाएंगे तो बस फर्स्ट डोर बनेगा यहाँ पर भी, और यहाँ पर डोर डबल लगेंगे। ठीक है ये आपके डोर लग गए। और विंडो का सिंबल इसमें आता भी है और मैंने उसके अंदर मिलता है, वो तो नॉर्मल मिलता है कंट्रोल ब्रिज से, ये भी मिल जाएगा विंडो का सिंबल, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है नॉर्मल नहीं, बट हम बनाएंगे ठीक एक होता वो कमांड की का नाम था फ्लो, फ्लो बनाना आता है ना इसको मैं स्ट्रेच भी करूंगा। वी एंटर ब्लॉक वी वन
स्पेशल बाय पॉइंट। ओके सीओ से कॉपी, सीओ से यहां से भी कॉपी, मेरा एमटीपी इसको रोटेट करो, ये भी ब्लॉक बने होते हैं। ओके ओके या फिर इसको रोटेट करके ओके ठीक है। यहाँ पर वेंटिलेशन है तो वेंटिलेशन आपको ये तो बना दो, बिल्कुल दिक्कत एक लाइन थी जो यहाँ पर बीच में ऑफसेट जो दो का होना है, डिलीट एम ए तीनों को कॉपी करना है। ओके बात क्या अब तीन तीन वाली विंडो बनानी है तो इसी को आप एडिट कर सकते हो, है ना। आज फिर तुम हो तो बहुत शुभ कर दिया, स्ट्रेंथ कमांड आती है वैसे भी। तो अब स्ट्रेंथ ही एडिट हो अपना, उसकी कॉपी कर देते मिलेगा। ओके इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा, स्ट्रेच कवर होगा ठीक है। और कितना कम करूंगा तब सेट होगा, ये 5 फीट है सबको, 1 ही फीट कम करूंगी। तीन फीट में 3 फीट ठीक है, उसका भी ब्लॉक बना दो आप। ओके हाँ अब आप इसी लाइन का नहीं से सॉरी इस लाइन का यहां से लाइन लो, एक लाइन यहां से मतलब इन दोनों का क्रिएट कर दो, ऑफसेट करो इसका 10 इंच का, एम प्रेस करो मल्टीपल। तो ठीक है, ये बनने के बाद आप इसमें आप लेयर बना दो। अभी इसकी जरूरत वो डायमेंशन देखने के लिए जरूरत पड़ेगी, मैं लेयर बनाओ ए ले कमांड से। ठीक
परफेक्टनेस। कमांड लगाऊंगा SIMI, ये सब सिलेक्ट हो गई, यहां से P1 में डाल दिया, वापस सिलेक्ट सिमिलर कमांड लगूंगा, यहां से P1 में डाल दिया, ठीक है। यहां से सिलेक्ट सिमिलर कमांड लगाता हूं और यहां से P1, और इसके अंदर जाओ, यहां से कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर दिया, ठीक कलर चेंज मेरे मुंह क्या चल रहा है? कौन सा लेवल का तुम हो जाता हो, क्या क्या वो गलत, सेलेक्ट करने के लिए मैं दूसरी लेवल का या सेलेक्ट करके या मूव या लेट चेंज कर, दिवस हो गया। नहीं। अब सेलेक्ट से मिले कमांड यहां लगा दो, फ्रेंड वो सेलेक्ट हो गया, यहाँ से डोर पर ले जाओ, तो डोर में आ गया, यहाँ जाओ और डोर का कलर चेंज कर दो, तो इस तरीके से लेयर में वर्क करना हो। अब जो जो लेयर आपको नहीं चाहिए वो आप हाइड कर दो, ये टर्न ऑफ कर दिया, या तो ये भी टर्न ऑफ कर दिया, बंद हो गई। अब ये वाली चीज मेरे को वेंटिलेटर में बनानी है, पहले इसको मैं हाइड कर दूँ, हाइड कमांड यूज कर, और ये वाली चीज मेरे को हाइड ऑफ करनी है, बाकी सब तो सेलेक्ट कर लूँ पूरा कोई, और डिफॉल्ट जो जीरो लेयर है उसका कलर चेंज कर दूँ, कोई भी दे सकते हो, जरूरी भी डिफॉल्ट लेयर होती है, तो कलर तो भाई लेयर ही रखना है वैसे इसका, ये रखूंगा डिफॉल्ट जो था, इसकी लाइन भी वेट बढ़ा दूंगा, लाइन में वेट चले करते हैं ना, कोई लाइन में वेट क्यों नहीं करता, तो कौन बीच लाइन का वेट करना सीएनपी कमांड किससे यूज करते हो? है पीएचपी टेन प्रॉपर्टी, कौन? अरे सीएचपी कमांड होती है टेन प्रॉपर्टी होते बड़ा बढ़ जाएगी, मैं तो उसको देख रहा हूँ, इसकी कमांड एलडब्ल्यू सेक्टर होती है, चलो करना पड़ता है। इस तरह से ठीक है। बताओ कैसे सिंबल का जो सिंबल है ना स्टाइल, ये ऐसी बात है, विंडो टाइप पर हमको दिखाना है कि ये विंडो है, पर विंडो दिखनी चाहिए, मुझे सी विंडो आपने बनाई ना, तो उसका डायमेंशन भी अपना मन से दिया ऑप्शन तो ये देखो ना, ये ऐसा सिंपल ऐसा दे दो तो भी वीडियो ही दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटर में देखिए फिर ऑफसेट ले लो, 1 इंच का 6 इंच की वॉल है तो फिर तो 1 1 इंच का लो, हाँ 12 इंच की 2 2 इंच का लो, क्योंकि वो